25 years of excellence, 25 years of innovation, 25 years of nurturing the leaders of tomorrow. We are GD Goenka. We are driven by our commitment to bring a global worldview to education. चाणा का योगदान इस हार की नव संकल्प रैली ऐतिहासिक। सर इस हार को क्यों चुना गया? सर छह लोकसभा पहले कवर कर रहे हैं और सातवीं लोकसभा हमारी इस हार पेंडिंग थी, इसको हम कवर करें और बची तीन को भी आने वाले दिनों में हम कवर करें। सर नव संकल्प के माध्यम से 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी ने पार्टी कैडर को एकत्रित किया है और अपनी ताकत बढ़ाई। सर क्या लोकसभा चुनाव भी गठबंधन में लड़ा जाएगा? कुछ एनडीए की बैठक फैसला करेगी, मैं तो आज इस पर नहीं कह सकता। और अगर बैठक होगी नहीं उसके बाद के निर्णय उसके बाद। सर चौधरी वीरेंद्र सिंह अभी आए थे, उन्होंने कहा कि 10 की 10 लोकसभा सीटों पर। वीरेंद्र सिंह जी से ये पूछ लो, एक साल हो गया, पहले धमकी दी थी गठबंधन तोड़ोगे तो मैं पार्टी छोड़ दूंगा। एक साल से तो उन्होंने छोड़ी नहीं। मुझे नहीं लगता कि हरियाणा प्रदेश में या देश में भी ऐसा कोई पॉलिटिशियन है जो सन्नी देओल की मूवी में नहीं तारीख पे तारीख दिया करते थे, उस तरीके से सिर्फ अल्टीमेटम पे अल्टीमेटम दे रहे। अगर उन्हें निर्णय करना है तो निर्णय अपनी राजनीतिक तौर पर ले, जननायक जनता पार्टी की चिंता छोड़ दे। अगर हमारा अलायंस रहेगा तो मजबूती के साथ रहेगा। और 4.5 साल मुझे नहीं लगता हरियाणा की तरक्की में हमने कोई कसर छोड़ी। और जिस दिन टूटेगा मुझे लगता है कि किसी को बताने की जरूरत नहीं होगी या किसी को बोलने की जरूरत नहीं होगी। उनकी फ्रस्ट्रेशन या उनके परिवार की फ्रस्ट्रेशन तो ये दिखती है कि उचाणा के अंदर विकास क्यों हुआ, उनके समय के अंदर जितना पिछड़ा उचाणा था आज कितना आगे बढ़ा है, उस फ्रस्ट्रेशन को वो कहीं ना कहीं हमारे अलायंस पे निकालते हैं। मैं तो ये मानता हूँ बड़े अच्छे तरीके से दोनों संगठनों ने मिलकर हरियाणा प्रदेश के आमजन को सहूलियतें दी है। आज 14 फसलें हम MSP पर खरीदते हैं। हरियाणा प्रदेश के अंदर हमारी सरकार ने, चाहे वो सड़कों का नेटवर्क हो, चाहे वो मेडिकल कॉलेजेस का नेटवर्क हो, चाहे वो व्यवस्थाएं जो डोर स्टेप डिलीवरी सर्विसेज की दी, पीला राशन कार्ड है, आपकी फर्द है, आपकी पेंशन है, ये सहूलियतें दी है और ये मिलकर ही हमने मुमकिन कर पाया है और आने वाले भविष्य में भी इसी प्रकार से मिलकर करेंगे। अगर उसमें 19-21 होगा तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी के प्रमाण की जरूरत है। एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि पिछले दिनों ओलावृष्टि से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर कई जगह क्रॉप लॉस हुआ। आज मैं उचाणा में भी आता हुआ देख रहा था, ओड़ों से यहाँ भी क्रॉप लॉस हुआ है। क्षतिपूर्ति पोर्टल को 1 तारीख को खोल दिया गया था, फार्मर दिन प्रतिदिन उस पर अपनी फसलों के नुकसान को अपलोड कर रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि जैसे ही 15 तारीख को सभी किसानों की क्रॉप लॉस के अपडेशन आ जाएगी, इमिडिएटली क्षतिपूर्ति सहायक के हमने आदेश दे दिया, उनको लगाकर क्रॉस वेरिफिकेशन भी करेंगे और हम किसान का मुआवजा भी तुरंत उसके बाद उसके खाते में दिसंबर। सर अनुराग डांडा कहते हैं कि डिप्टी सीएम ने कहा था कि गठबंधन के लिए अगर सवाल करते थे, हमारा तो हो गया, अभी वो देखें उनकी छड़ी। चलो अनुराग जी ये भूल जाए कि पिछली बार हमारे साथ 3 सीटों पर आए थे। आम आदमी पार्टी तो राष्ट्रीय पार्टी बन गई, 3 की 5 पे 10 पे जाना चाहिए था, मगर वो हमारे साथ 3 पे थे और ऐसी मजबूरी क्या आ गई कांग्रेस के साथ 1 पे ही रुक गए। और मैं तो उम्मीद रख रहा था अनुराग जी चुनाव लड़ते, वो बेचारे सुशील जी फंसा दिए। ये तो जनता है, कांग्रेस जिस प्रकार से बैसाखियों का सहारा ले रही है, कांग्रेस की तो नैया डूबेगी डूबेगी। मुझे लगता है दिल्ली में जो सीटें केजरीवाल जी ने उनको दी है वो केजरीवाल को भी ले डूबेगी।